नवंबर 1927 हैदराबाद सिंध में लाल चंद किशन चंद अडवाणी का जन्म। हैदराबाद के निकट कराची के सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में शिक्षा। जून 1942 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ पहला संपर्क और 5 अगस्त 1947 को अडवाणी आरएसएस की कराची शाखा के सचिव। सितंबर 1947 पार्टीशन के बाद पाकिस्तान छोड़कर अडवाणी पहुंचे अलवर राजस्थान, यहां भी आरएसएस में सक्रिय। अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद अगस्त 1953 में अडवाणी राजस्थान जनसंघ के जॉइंट सेक्रेटरी। 1958 दिल्ली प्रदेश जनसंघ के सेक्रेटरी। 1959 ऑर्गेनाइजर नामक पत्र के असिस्टेंट एडिटर। 25 फरवरी 1965 कमला जगतिया के साथ विवाह। सन 1965 से 70 जनसंघ और जनसंघ के अलावा भी अडवाणी ने विभिन्न पद संभाले। सन 1970 राज्यसभा में प्रवेश। 11 जनवरी 1973 प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जनसंघ। सन 1975 इमरजेंसी की घोषणा के बाद बेंगलोर में गिरफ्तार। मार्च 1977 इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री। अप्रैल 1980 आम चुनाव में जनता पार्टी की पराजय, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। मई 1986 अडवाणी पार्टी प्रेसिडेंट। मार्च 1988 एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष। 1989 पहली बार लोकसभा में प्रवेश। 25 सितंबर 1990 सोमनाथ मंदिर गुजरात से राम रथ यात्रा की शुरुआत। दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद गिरफ्तारी। 18 मई 1997 जैन हवाला केस में बरी होने के बाद बीजेपी की लोकप्रियता को बढ़ाने के प्रयत्न में अडवाणी की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा आरंभ। लाल कृष्ण अडवाणी की राजनीति क्योंकि रथ यात्राओं से पहचानी जाती है, हमने मुनासिब समझा कि उनकी नई रथ यात्रा का पहला दिन आपके सामने पेश करें। उनकी राजनीति और उनके नारे हालांकि बदल गए हैं, वो अब भी जाने जाते हैं उस पहली रथ यात्रा से जिसने देश में तूफान मचा दिया था। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसी का अंतिम नतीजा था बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। उस रथ यात्रा का बीजेपी को कितना फायदा हुआ, उसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि लोकसभा में जहां उनकी 2 सीटें थीं वो 1991 के चुनाव में 119 हो गई। पर आइए देखें इस नई यात्रा की शुरुआत। इस दिन की शुरुआत हुई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के घर पर, जहां नाश्ते पे बुलाए गए मेहमानों में थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके 2 मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और साहिब सिंह वर्मा, और बाल ठाकरे के बेटे उद्धव। नाश्ते के बाद अडवाणी जी का काफिला रवाना होता है ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान के लिए, जहां से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और क्योंकि इस नई स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का एक मकसद है देशभक्ति को जगाना और देश की आजादी के 50वीं वर्षगांठ पे स्वतंत्रता आंदोलन के दिन याद करना, तो भाषणों से पहले देशभक्ति के गीत सुनाए जाते हैं, वंदे मातरम गाया जाता है और स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत होता है। अडवाणी जी भी भाषण देते हैं और बात करते हैं सर्जरी के क्षेत्र में हुई तरक्की की। चिकित्सा के क्षेत्र में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी में बड़े बड़े चमत्कार आजकल होते रहते हैं। किसी की आंखें चली जाए तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाता है, किसी की किडनी काम करना छोड़ दे तो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट कम होता है लेकिन फिर भी होता है। कोई शरीर का अंग नहीं है जिसका ट्रांसप्लांट न होता हो। हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, अब तो भारत में भी होता है, लेकिन अभी तक सर्जरी के क्षेत्र में हेड ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। सर कट जाए और दूसरा कट लगा दिया जाए, पौराणिक काल में जरूर सुना कि शंकर जी ने किया था और गणपति की रचना की थी, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, आधुनिक पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैं मानता हूं कि देवेगौड़ा जी को हटा करके उसके स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल को बिठा देना, ये हेड ट्रांसप्लांट है। दिल्ली की सरकार और बाकी राजनीतिक दलों पे जम कर हमला करने के बाद अडवाणी जी इशारा करते हैं कि इस रथ यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आंदोलन भी शुरू हो रहा है।
अडवाणी जी का रथ तैयार है और इस रथ में और उस पहली रथ यात्रा के रथ में फर्क एकदम नजर आता है। जहां उस पहले रथ की तस्वीरें और सजावट हिंदू धर्म के चिन्हों से की गई, इस रथ की सजावट में सिर्फ देशभक्ति नजर आती है। जहां उस यात्रा का नारा था जय श्री राम, इस रथ यात्रा के दो मुख्य नारे हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम। रथ यात्रा का पहला हॉल्ट है मुंबई के चेंबूर इलाके में, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रक्षा मंत्री प्रमोद महाजन के चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। अडवाणी जी क्रेन में चढ़कर शिवाजी की मूर्ति को फूलों का हार पहनाते हैं और तकरीरों का सिलसिला फिर से शुरू होता है। मुंबई से विदा लेकर अडवाणी जी की रथ यात्रा पुणे की तरफ चली, जहां इस दिन की आखिरी आम सभा का इंतजाम किया गया है। पर रास्ते में इतनी सभाएं और थीं, इतना हम रुक रुक के चले कि 3 घंटों का सफर पूरा करने को हमें 9 घंटे लगे। मुंबई के बाद हम रुके पनवेल में, पनवेल के बाद चौक, खोपोली, लोनावला, कामशेद, वड़गांव, तालेगांव, चिंचवाड़ और हर जगह तकरीरें, जनसंपर्क। हमारा इरादा तो ये था कि रस्ते में कहीं हम अडवाणी जी के रथ पर चढ़ के उनको इंटरव्यू कर लें, लेकिन इस कोशिश का क्या हुआ आप खुद ही देख लें। अडवाणी जी, आप बार बार आज अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि भारत सबसे पिछड़े देशों में से गिना जाता है, इसके लिए आप कौन सी नीतियों को और किन लोगों को दोषी ठहराते हैं? मैंने जैसे आज भी कहा, संक्षेप में कहा कि इसमें प्रजा का दोष कम है, राजा का दोष ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि प्रजा का दोष बिल्कुल नहीं है, खास करके लोकतंत्र में तो राजा प्रजा ही चुनती है, तो वो भी एक दोष है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी पिछले इन 50 सालों में सभी क्षेत्रों में चरित्र की गिरावट हुई है। यात्रा शुरू होने के ठीक 9 घंटों बाद हम पुणे पहुंचे, जहां अडवाणी जी ने लोकमान्य तिलक के स्मारक का दर्शन किया और फिर दिन की आखिरी आम सभा को संबोधित किया। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि चुनाव जल्दी होगा इसलिए आप ये यात्रा कर रहे हैं? मैं उनको कहता हूं कि अच्छा विद्यार्थी वो है कि जो सतत पढ़ता है, अध्ययन करता है, केवल मात्र जब परीक्षा निकट आए तब पढ़ना शुरू करे, वो अच्छा विद्यार्थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है या उससे पूर्व भी जब भारतीय जनसंघ था, तब भी चुनाव हो कि न हो, भारतीय जनसंघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जनता से संपर्क साधे हुए रहे, मिलते रहे। रही इंटरव्यू की बात, सो वो हुआ रात के 11:30 बजे। अडवाणी जी, जो रिस्पांस आपको आज मिला है, आपको उम्मीद थी कि इतना होगा? मेरे सारे अनुभव इसी प्रकार के हुए, सभी यात्राओं के, सिवाय उस पहली राम रथ यात्रा के। उसमें भी शुरू में लगभग ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे करके, और वह भी खास करके क्योंकि हमारे कुछ विरोधियों ने उसको बड़ा विकृत करके प्रस्तुत करने की कोशिश की और बहुत सारी बातें कही,
उसकी भी प्रतिक्रिया लोगों के मन में हुई कि इस प्रकार की राम रथ यात्रा के बारे में इतना अनाप शनाप कहा जा रहा है, उसका एक रिस्पॉन्स और था। उसमें तो ज्यादा रिस्पॉन्स था कि कम? ज्यादा था, लेकिन कुल मिलाकर के विषय जो हमने लिया है, इट स्ट्राइक्स अ कॉर्ड इन द पीपल। विषय यानी ये 50 साल में क्या हुआ है। और स्वातंत्र सेनानी और उनका योगदान, उनके बलिदान, यह जो चीज है वो लोगों को प्रेरित करती है। हालांकि अडवाणी जी की इस यात्रा में सांप्रदायिक मुद्दों का नामो निशान नहीं है, लेकिन अब भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से डरते हैं। गांधी जी, नेहरू जी, वे भी मुस्लिम समाज को आश्वस्त नहीं कर सके कि इस हिंदू बहुल देश में मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं है, भय की बात नहीं है। जिना साहब जो कह रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू बहुल देश होगा तो मुसलमान जो है वह सुरक्षित रहेगा, इसलिए पाकिस्तान बनना चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान मान लिया, वो नहीं कन्विंस कर सके। तो आज तो हिंदू बहुल देश है ही, और इसकी हिंदू बहुल प्रकृति, उस प्रकृति को डिसोन करना सेक्युलरिज्म के नाम पर, इसको मैं गलत मानता हूं। मैं सेक्युलरवाद को गलत नहीं मानता। सेक्युलरवाद का अर्थ अगर इतना है कि सभी धर्मों के लिए आदर, सभी पंथों के लिए आदर, सेक्युलरवाद का अर्थ अगर यह है कि हिंदुस्तान का नागरिक किसी भी मत को, मजहब को मानता हो, राज्य की नजरों में वह समान होगा, बराबर होगा, उसको सुरक्षा की गारंटी होगी, उसको इंसाफ की गारंटी होगी, उसको अपने अपने ढंग से ईश्वर की आराधना करने की पूरी छूट होगी। और उस समय बहस हुई थी कि केवल मात्र उसको आराधना करने की छूट होनी चाहिए या अपने पंथ का प्रचार करने की भी छूट होनी चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि प्रचार की भी छूट होनी चाहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। पर अडवाणी जी, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, हम मानते हैं कि बहुत पॉपुलर हो रही है, आपकी लोकसभा में सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान आपकी पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहे, इसकी क्या वजह है? मुझे यकीन है कि हम 5 साल किसी राज्य में राज करें, 5 साल केंद्र में राज्य करें, तो हमारा आचरण, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, वह इन सारी बातों को तोड़ देगा जो बातें सब लोग मिलकर के, हिंदुस्तान की सब पार्टियां, और पार्टियां नहीं, हिंदुस्तान का जो एलीट है, सुशिक्षित वर्ग है, उसमें कुछ सेक्युलरवाद के बारे में धारणा है इतनी बद्धमूल हो गई है पिछले 30 सालों में, 50 सालों में नहीं कहूंगा। शुरू शुरू में एक ऐसा समय था जब कांग्रेस पार्टी में दोनों धाराएं थी, एक धारा जिसका प्रतिनिधित्व आज हम कर रहे हैं, और दूसरी धारा जिसका प्रतिनिधित्व पंडित नेहरू करते थे, मौलाना आजाद करते थे, दोनों धाराएं कोएग्जिस्ट करती थी। उसमें मैं जानता हूं कि जब गांधी जी गौ रक्षा की बात करते थे, ऐसे लोग थे जिनको पसंद नहीं आता था, लेकिन वो मानते थे कि एक दृष्टिकोण है। वो रामराज की बात करते थे, वो राम, वो मैं गर्व से मैं हिंदू कहता हूं अपने को, मैं सनातनी हिंदू हूं, ये बातें नहीं पसंद आती थी, लेकिन उसको कोई ये नहीं कहता था कि तुम सेक्युलरवाद नहीं दे रहे, तुम सांप्रदायवादी हो गए। लेकिन 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू जी का जो विचार शैली थी, वह विचार शैली केवल कांग्रेस पार्टी पर नहीं छा गई, लेकिन हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग पर छा गई। और फिर क्या हुआ कि धीरे 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 करके जितनी वो धारणाएं थी वो ऐसी रूढ़ हो गई, जिसको कहते हैं ना एक्सियोमेटिक ट्रूथ, स्क्रिप्चरल ट्रूथ, एनी डिपार्चर फ्रॉम दैट इज हेरेसी। हमको इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा है कि हम जिस समय हिंदुत्व का शब्द प्रयोग करते ही लगता था ये क्या हो गया, इसको क्या बात कर रहा है, हिंदू की बात करता है। हिंदुस्तान में हम में से एक एक के अनेक आइडेंटिटीज हैं, लेकिन जिस समय वो अगर कहता है मैं हिंदू हूं तो अपराधी बन जाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के असाधारण वृद्धि में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सर्वसाधारण हिंदू बहुत चोट खाए हुए हैं कि क्या मतलब है, अगर सेक्युलरवाद के नाम पर मेरी हिंदू आइडेंटिटी के बारे में मुझे संकोच करना सिखाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि बीजेपी जो कहती है वो ठीक है। यद्यपि इन दिनों में कभी कभी
ये नारा भी लगा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और मुझे याद है कि जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था और मेरी रथ यात्रा के तुरंत बाद नारा लगते ही मैंने सार्वजनिक रूप से खड़े होकर के कहा था, ये जो नारा लगा रहे हैं वो ठीक नारा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि जो आपके लोअर लेवल के कार्यकर्ता हैं उनकी वजह से मुसलमानों में ये डर बैठा हुआ है, क्योंकि जहां जहां आपकी यात्रा गुजरने के बाद जो होता है? मैं नहीं मानता हूँ। मेरी यात्रा 1990 में हुई, मैं 12,000 किलोमीटर तय नहीं कर पाया, मैंने 10,000 किलोमीटर तय किए। समस्तीपुर में मैं गिरफ्तार हो गया। 10,000 किलोमीटर की यात्रा में एक घटना कहीं पर हुई हो कोई बता दे तो मैं अपराधी अपने को मान लूंगा। बाद में तो हुए? बाद में भी नहीं हुए, 1992 में हुए। और वो 92 की घटनाएं उस ढांचे के ढह जाने के बाद उन घटनाओं को भी रथ यात्रा के साथ जोड़ा जाता है आज तक भी, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी जोड़ते हैं। 2 साल बाद जो ढह गया ढांचा, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में घटनाएं नहीं हुई, राजस्थान में घटनाएं नहीं हुई, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी का राज था वहां घटनाएं नहीं हुई, घटनाएं मुंबई में, घटनाएं गुजरात में हुई, जिन 2 प्रदेशों में कांग्रेस का राज था। लेकिन देयर इज नो मिक्सस येट, और सस्टेन्ड प्रोपेगेंडा रथ यात्रा के बाद दंगे हुए, और वो सस्टेन्ड प्रोपेगेंडा आज बड़े बड़े सुशिक्षित लोग जिनको इंफॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए उनके मन में है। मेरे भाषणों के बारे में मैंने हजारों भाषण उसी यात्रा में दिए होंगे। पहले दिन से लेकर के मैंने कार्यकर्ताओं को कहा, देखो इस बात को समझो, देश के मुसलमानों के खिलाफ ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये जो स्यूडो सेक्युलरिस्ट है उनके खिलाफ मेरा आंदोलन है, और जिनमें से अधिकांश हिंदू है, मुसलमान नहीं है। और ये मेरा शुरू का भाषण था, और वो भाषण आखिर तक भी मैंने कहा कि मुसलमान के खिलाफ होना ये हिंदुत्व के खिलाफ। और दिल्ली की सरकार और वर्तमान राजनीति के बारे में वो ये कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया है उसका समर्थन नहीं है पार्टी में, उसकी अपनी पार्टी में बन गए हैं किसी न किसी प्रकार से। एक दूसरा भी कारण है, और वो है कि लालू प्रसाद यादव के प्रकरण के कारण जनता दल में एक बहुत उथल पुथल पैदा हुई है, और किसी दिन भी बिखराव हो सकता है। तीसरा एक तत्व है कि जिसका क्या असर होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसकी चर्चा लोग करते हैं। मुझे स्वयं को लगता है कि कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी का प्रवेश इस सरकार की अस्थिरता का एक कारण और बनेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत लोगों को चिंता होगी कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, और उस चिंता में से भी उथल पुथल हो सकती है। तो कब तक रहेगी सरकार, कब गिरेगी? मेरा मोटा अंदाजा यह है, पहली सरकार के बारे में था, देवेगौड़ा जी की सरकार के बारे में मैंने तब भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई साल भर निभा पाएगी, और साल भर से पहले वो गिर गई। आज गुजराल जी मेरे मित्र हैं और मैं उनका आदर करता हूँ, उनके प्रति सहानुभूति काफी है मेरी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये 1997 निभा पाए बड़ा कठिन है। इस रथ यात्रा और उस पहली राम रथ यात्रा में सबसे बड़ा फर्क यही है कि जहां उस रथ यात्रा की तकरीरों में सिर्फ अयोध्या का नाम होता था, इस यात्रा में अयोध्या और राम मंदिर की बात ही नहीं है। इस यात्रा का बीजेपी को चुनाव में क्या उतना ही फायदा होगा, ये तो बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए सुन लें हमारे देर रात की इस इंटरव्यू का बाकी हिस्सा। मैं मास लीडर कभी नहीं माना जाता था, उसका एक प्रमुख कारण था कि मैं अच्छा वक्ता नहीं। अब मैं तो बन गए, हमेशा लिखता था, अब तो बन गए। मैं नहीं, अभी भी नहीं मानता हूँ। और फिर खास करके मैं राजनीति में आया तो प्राय बहुत समय जो है अटल जी के साथ ही रहा, तो इसलिए भी एक कॉम्प्लेक्स मन में डेवलप हुआ, क्योंकि अटल जी तो एक असाधारण वक्ता है, और उनकी असाधारण वक्तृत्व कला के कारण भी मेरे मन में बहुत संकोच होता था, और इसलिए बहुत वर्षों तक तो मैं बोलता ही नहीं था, कभी पब्लिक मीटिंग में नहीं बोलता था, और मुझे लगता था कि मैं नहीं बोल सकूंगा। अब जबरदस्ती मैं बना हूं तो फिर बोलने लगा हूं, धीरे धीरे करके बोलता भी हूं। ये एक पैराडॉक्स ही है कि पाकिस्तान में जन्मे और पले इस नेता को आज ज्यादातर लोग उनके हिंदुत्व से पहचानते हैं, पर पाकिस्तान की यादें अडवाणी के साथ अब भी हैं।
मैं अभी भी पिछले इन 50 साल में एक बार गया हूँ कराची, और मुझसे जब अम्बेसडर पूछने आए थे, उस समय मैं सूचना प्रसारण मंत्री था, अम्बेसडर पूछने आए कि कराची में कहाँ जाना चाहोगे, तो मैंने कहा और कहाँ जाऊँगा, मैंने कराची देखी है, कराची में जन्म हुआ, कराची में रहा हूँ, लेकिन मैं अपने घर में जाना चाहूँगा जहाँ मैं जिस घर में रहता था, और मैं अपने स्कूल में जाना चाहूँगा जिस स्कूल में पढ़ा हूँ। और पाकिस्तान सरकार ने बहुत उत्तम व्यवस्था की थी कि वो ढूंढ ढूंढ करके, मैंने 42 में मैट्रिक पास किया था स्कूल से, तो 42 में उस समय प्रिंसिपल कौन थे, फादर मॉडेस्टीन थे, अडवाणी को कौन कौन पढ़ाते थे, तो ऐसे 5 टीचर्स जीवित थे, उन 5ों को, और वो सब मुझे अच्छी तरह से उनको याद था, अपने क्लास में मैं अव्वल रहता था इसलिए भी याद था, तो वो सब 5ों टीचर्स आए थे, बड़ा भारी रिसेप्शन उन्होंने दिया। खाने पीने में सिर्फ दूध ही पसंद करने वाले इस सादे से नेता को एक शौक जरूर है, सिनेमा। फिल्मों का बचपन में तो बहुत शौक था। कौन सी फिल्मों का? बहुत फिल्मों, सब प्रकार की फिल्मों का, लेकिन बीच में फिर संगम में आने के बाद मैंने फिल्में देखनी छोड़ दी। और मैंने 15 साल, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 15 साल एक भी फिल्म नहीं देखी, 15 साल। और अचानक मैं, मेरे मामा थे वो मुझे बहुत आग्रह पूर्वक ले जाते थे, तो एक बार मैं बम्बई आया, वो मामा के यहाँ ठहरा था, उन्होंने कहा फिल्म चलो, तुम पहले तो बहुत देखते थे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं देखता, लेकिन उसके अगले दिन सुबह सुबह अखबार में खबर पड़ी कि यहाँ के स्ट्रैंड सिनेमा में कोई फिल्म चल रही थी, हाउस ऑफ वैक्स, और उसमें एक दर्शक गया था, उसको हार्ट फेल हो गया वहाँ पर देख करके, तो मैंने कहा आज इसको देखने चलेंगे आज। दैट वाज द बिगिनिंग। लेकिन शायद पिछले कई सालों में कमर्शियल सिनेमा में तो शायद मैंने एक ही देखी है, हम आपके हैं कौन। कैसी लगी? अच्छी लगी, चाहे अगले दिन बड़ी लंबी चौड़ी खबरें छपी अखबार में इसके कारण, क्योंकि मैं फिल्म देखने गया, अपराध कर डाला, और किसी एक अखबार ने ये भी लिखा, अपनी कहानी बनाई कि जिसमें उन्होंने लिखा कि द एंटायर ऑडियंस इन द ऑडिटोरियम वॉज स्टंड व्हेन दे फाउंड अडवाणी वॉकिंग इन विद हिज फैमिली and he sat glued to his seat for 3.5 hours, except once when he went out to buy a packet of popcorn. मैंने कोई popcorn कभी खरीदा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी लिखते हुए कहा, and the popcorn vendor told us that he was humming the tune, दीदी तेरा देवर दीवाना।